नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ जोग सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राजनीति आगरा में इन दिनों यातायात पुलिस बेहद सतर्क, खासकर आगरा के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यातायात पुलिस की सतर्कता देखी जा रही है। यातायात पुलिस ने नवंबर माह तक 35,000 लोगों के चालान काटे हैं, जिनसे 17 लाख रुपए का समन शुल्क वसूला गया है। जनपद आगरा में यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले, सीट बेल्ट का प्रयोग न करने वाले, रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले एवं नाबालिग बच्चों के द्वारा वाहन चलने पर लगभग 36,000 लोगों के चालान काटने की कार्रवाई की है। नियमों को न मानने वाले लोगों से 17 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। आगरा की लाइफलाइन कहे जाने वाली एमजी रोड पर पुलिसकर्मी दिन भर यातायात व्यवस्था को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप ताजनगरी आगरा की, इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें, वहीं बाइक चलाते समय हेलमेट पहने तो वहीं फोर व्हील चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें, अन्यथा आपको भी चालान कट सकता है और जुर्माना भरना पड़ सकता है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारियों का इस पूरे मामले को लेकर। यातायात में नवंबर 2023 में जो चल रहा है, इसमें कमिश्नरेट आगरा की यातायात पुलिस द्वारा निरंतर इन्फोर्समेंट की कार्यवाही की जा रही है और इन्फोर्समेंट में हम सड़क सुरक्षा से संबंधित जो भी आवश्यक बिंदु हैं, जैसे बिना हेलमेट के वाहन चलाना, सीट बेल्ट वगैरह लगाए हुए चार पहिया वाहन चलाना, नशे की हालत में वाहन चलाना, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के, बगैर बीमा के, बगैर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के, तो इन सभी मदों में कार्यवाही की जा रही है। अब तक 19 नवंबर तक करीब 35,000 से अधिक के चालान किए गए हैं और 17 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला गया। इसके साथ साथ जागरूकता के कार्यक्रम भी स्कूल कॉलेजों में आयोजित किए जा रहे हैं और जो टेम्पो स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, वहाँ पर ड्राइवरों को भी शिक्षित किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही में अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से भी कार्यक्रम चलाए गए। जो शेष दिन है उसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का प्रचार प्रसार करने का कार्य करेंगे, क्योंकि जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो मुख्य रूप से उससे हमारे वो क्षेत्र प्रभावित हैं जो शहर और देहात की सीमांत पे स्थित हैं, जहाँ पे मतलब अधिकतर दुर्घटनाएं होती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में फोकस करने का, ऐसे क्षेत्रों को केंद्रित करने का हमारा शेष बचे दिनों में प्लान है। सर, कुछ वाहन ऐसे भी हैं जिनके चालान किए गए हैं जिन वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखा हो, ऐसे भी कुछ वाहनों को? हाँ, ये जो मतलब मैंने आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि जाति सूचक और या संप्रदाय सूचक शब्दों पे या कोई आपत्तिजनक स्लोगन लिखे वाहनों का निरंतर चालान किया जा रहा है और हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय का ये निर्देश है कि ऐसे वाहनों पर सख्ती से कार्यवाही किया जाए, तो इस पर निरंतर अभियान चल रहा है और यातायात माह के विरुद्ध भी इन पर कार्यवाही की गई है। मैं आपको संख्या, इसमें काफ़ी कमी आई है, अब तक 172 वाहनों के चालान किए गए और आगरा में अब तक इस वर्ष जाति सूचक और संप्रदाय सूचक जो शब्द लिखे वाहन हैं ऐसे करीब 2,500 वाहनों का चालान किया गया है। तो हम लोग निरंतर कार्यवाही कर रहे हैं जिससे इस प्रकार की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जा सके कि जो लोग जाति सूचक या संप्रदाय सूचक शब्द लिखते हैं और समाज में इससे जो है ये विभाजन की रेखा खींचती है। और इसी के साथ जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हिंदुस्तान सिविल न्यूज।